नमस्कार। दिनभर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खास खबरों पर नजर डालते हुए, किसानों ने ठुकराया सरकार का प्रस्ताव, अंबानी का करेंगे बहिष्कार। नीति आयोग के सीईओ बोले, भारत में ज्यादा लोकतंत्र तो हुआ हंगामा। एनबीसी को अदालत का तगड़ा झटका, शौविक पर लगे आरोप निराधार। राजस्थान पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी, गहलोत का संकट बढ़ा। त्रिपुरा बीजेपी में खटपट, विप्लव बोले, जनता से पूछूंगा सीएम रहूं या नहीं। खास खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का, लेकिन उसके पहले आपसे दो छोटी छोटी गुजारिशें। पहली गुजारिश यह है कि गोदी मीडिया से निजात पानी है तो हमें स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ देना होगा, उसकी ताकत बनना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए मनचाही सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी को मजबूती प्रदान करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए आप ऐसा जरूर करेंगे। दूसरी गुजारिश है कि अब सत्य हिंदी का ऐप आपके उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसके लिए एक लिंक है, उसको क्लिक करके आप गूगल प्ले स्टोर के जरिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर, कृषि कानूनों पर सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। किसान नेताओं ने कहा है कि कानून रद्द होने तक हम आंदोलन को तेज करेंगे। बीजेपी के नेताओं का किसान घेराव करेंगे, 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा, दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। किसान नेताओं ने कहा कि जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 दिसंबर तक रोका जाएगा, पूरे देश में आंदोलन होगा, सरकार के मंत्रियों का घेराव होगा, 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा फ्री करेंगे, दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली और आसपास के राज्यों से दिल्ली चलो की हुंकार भरी जाएगी, बाकी राज्यों में अनिश्चितकाल तक के लिए धरने जारी रखे जाएंगे। किसान नेताओं ने रिलायंस जियो के उत्पादों का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। इससे पहले सिंघू बॉर्डर पर किसान नेताओं को कृषि कानूनों पर भारत सरकार का प्रस्ताव सौंपा गया था। प्रस्ताव में सरकार ने मंडी सिस्टम और एपीएमसी एक्ट में बड़े बदलाव का भरोसा दिया था। एमएसपी को लिखित में देने के लिए भी तैयार सरकार हुई थी। सरकार ने इस प्रस्ताव में कहा था कि वो बिजली संशोधन विधेयक में भी कोई बदलाव नहीं करेगी और किसानों को सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प दिया जा सकता है। इसके अलावा अधिनियम में संशोधित करके प्रावधान लाया जा सकता है कि राज्य सरकार निजी मंडियों का रजिस्ट्रेशन लागू कर सके। तो सरकार ने अपने तई कुछ चीजें करने की कोशिश की थी, लेकिन जाहिर है कि वो बिल्कुल अपर्याप्त थी, क्योंकि जो दूसरे कंसर्न थे, दूसरी चिंताएं हैं किसानों की, उस पर किसी तरह की बातचीत, किसी तरह के कदम इस प्रस्ताव में नहीं प्रस्तुत किए गए थे। खासतौर पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, जमाखोरी को लेकर, ये तमाम चीजें हैं जो किसानों को परेशान कर रही, लेकिन इसमें उस तरह की व्यवस्था नहीं है। और किसानों के रुख से पहले भी जाहिर था कि वो पूरी तरह से इन कानूनों को खत्म करने पर ही राजी होंगे, इससे कम पर राजी नहीं होंगे। कल शाम को जो अमित शाह के साथ बैठक हुई थी किसानों की, उसमें भी उन्होंने ये साफ साफ जता दिया था। उसके पहले वाली मीटिंग में उन्होंने प्ले कार्ड लेके बता दिया था कि यस और नो, और सरकार समय ले रही थी, सरकार को अब समझ में नहीं आ रहा। दरअसल सरकार बुरी तरह फंस चुकी है, वो जानती है कि किसानों को मनाना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह के कानून बनाए गए हैं उसमें किसानों के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। किसान बहुत चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन सरकार अपनी पर अड़ी हुई है। सरकार का अहंकार, सरकार की हठधर्मिता आप इसमें देख सकते हैं, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसने कॉरपोरेट सेक्टर को कुछ कमिटमेंट दे रखे हैं, उनसे कुछ वादे कर रखे हैं, हो सकता है चुनाव के पहले किए हों, चुनाव के दौरान किए हों, चुनाव के बाद किए हों, उनको
खेती में घुसने का एक जो रास्ता है वो सरकार बनाना चाह रही थी इस इन कानूनों के जरिए, तो अब उस वादे से पीछे हटना जरा मुश्किल हो रहा होगा सरकार को। इसीलिए किसान भी डटे हुए हैं और उन्होंने अंबानी के जियो का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। अडानी का भी नंबर आ सकता है क्योंकि उनका भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खेती पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉरपोरेट कब्जे से लड़ाई जो किसानों की मूल चिंता है वो ये है कि निजी क्षेत्र जो दबाव बना रहा है, जो लूट खसोट के लिए इस क्षेत्र में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, उनके खेती को लूटने, उनके खेतों को लूटने, दोनों पर कब्जा करने की विरोध में जो किसान सड़क पर उतरे हैं, उन्होंने इसको, इस प्रस्ताव को इसीलिए पूरी तरह से खारिज कर दिया कि छोटे मोटे उपायों से बात नहीं बनने वाली है, वो राह बंद नहीं होगी जिसका खतरा वो देख रहे हैं, और उन्होंने इस पूरी मांग को सिरे से नकार दिया है। अब उन्होंने आंदोलन तेज करने की बात की है, देश भर में धरने, प्रदर्शन, जाम, दिल्ली के अंदर जाम और तमाम हाईवे को जाम करने की बात है। बीजेपी के मंत्रियों का घेराव होगा, उनके नेताओं का घेराव होगा, तो एक बड़ी योजना किसानों के पास है अपने संघर्ष को आगे ले जाने की। उनमें मादा है, उनमें ताकत है, उनमें हौसले हैं और इच्छा शक्ति है, ये साफ तौर पर दिख रहा है और ये निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन की शक्ल ले रहा है। पूरे देश भर में ही नहीं, दुनिया भर में इस आंदोलन पर निगाहें हैं और किसानों का ये संघर्ष कोई रंग लाएगा, ऐसी संभावनाएं बनती दिख रही हैं। सरकार को अंततः झुकना पड़ेगा, इन विधेयकों को वापस लेना पड़ेगा, कानूनों को, माफ कीजिएगा, और अगर वो ऐसा करने से नहीं चाहेगी तो उसे फिर दमन के रास्ते पर जाना पड़ेगा। वो ताकत का इस्तेमाल करेगी जिसके और भी बुरे नतीजे सामने आ सकते हैं, हिंसक टकराव, लाठी गोली की नौबत आ सकती है और ये देश हित में कतई नहीं होगा। तो इस समय सरकार को ज्यादा उदारता, ज्यादा लचीलेपन के साथ पेश आना होगा, अन्यथा उसी के लिए समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अगली खबर लेते हैं। भारत की आम जनता के लिए नीतियां बनाने वाले आयोग यानी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के एक बयान को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है। अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत में बहुत ज्यादा लोकतंत्र है, टू मच डेमोक्रेसी है, और ऐसे में कठोर सुधारों को लागू कर पाना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार ने हिम्मत दिखाई है और कई सेक्टर में उन्हें लागू किया है। अमिताभ कांत का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब देश के अंदर देश का किसान दिल्ली की सीमाओं पर आकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। अमिताभ कांत का इशारा शायद किसानों के आंदोलन की ही ओर रहा है। सवाल उठता है कि क्या वे ऐसा मुल्क चाहते हैं जहां पर सरकार की नीतियों, उसके फैसलों पर बोलने की आज़ादी भी लोगों के पास न हो। उन्हें याद रखना चाहिए कि सरकार किसी एक ही दल की नहीं रहती है। आज़ादी के बाद लंबे वक्त तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन आज वो कांग्रेस कहाँ है। इसलिए लोकतांत्रिक मुल्क में ताकत जनता के पास है, न कि सरकारों के पास। हालांकि पिछले साल भारत डेमोक्रेसी इंडेक्स में 10 पायदान गिरकर 51वें स्थान पर पहुंच चुका है। इसके पीछे कारण है लोगों की आवाजों को लगातार दबाना। पिछले कुछ समय में देखो तो पत्रकारों से लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में भरा जा रहा है, वजह है विरोध में आवाज का उठना। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ऐसे ही धीरे धीरे हिटलर ने लोकतंत्र का विरोध करना शुरू किया था और प्रजातंत्र के सिद्धांत को राष्ट्र के हित के विरोध में साबित कर दिया था। तो पूरे ब्यूरोक्रेसी में अमिताभ कांत जैसे ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कॉरपोरेट के एजेंट की तरह काम करते हैं जब नौकरी पर रहते हैं, और नौकरी के बाद इन्हीं बड़े अंबानी अदानियों के संस्थानों में जाकर मोटी तनख्वाहों पर काम करने लगते हैं। तो ये इनकी आपस में मिली जुली एक वो होती है, नीति होती है। ये कॉरपोरेट सेक्टर को प्रमोट करते हैं जब सत्ता में रहते हैं, सरकार में रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में रहते हैं, वैसी नीतियां बनाते हैं, और ये जो कृषि कानून बनाए गए हैं उनका भी मकसद यही है, इन कॉरपोरेट को मजबूत करना। और इसीलिए कृषि कानूनों का जब विरोध हो रहा है, किसान विरोध कर रहे हैं, तो हड़बड़ाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, और अब उन्हें ये लग रहा है कि देश में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है, अगर इतनी डेमोक्रेसी ना होती तो वो हिटलर की तरह, किसी निरंकुश चीन की तरह, रूस की तरह मनमाने ढंग से अपने कानूनों को लागू कर पाते।
सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बहुत कमजोर हो चुकी है और लगातार कमजोर हो रही है। सारे पैमानों पर जितने भी डेमोक्रेसी के क्राइटेरिया होते हैं उन सब में भारत में डेमोक्रेसी ध्वस्त होती जा रही है और पिछले 2 साल के अंदर करीब 19 पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सूचकांक है उसमें नीचे लुढ़क चुकी है भारतीय डेमोक्रेसी। इस पिछले 1 साल के आंकड़े अभी आए नहीं हैं, उस दौरान और भी नीचे गई है हमारी डेमोक्रेसी, तो लगातार नीचे जा रही है। एक दूसरे आंकड़े हैं जो बताते हैं कि नेपाल और श्रीलंका में हमसे बेहतर स्थिति है डेमोक्रेसी की, वहाँ ये दोनों देश हमसे डेमोक्रेसी के मामले में आगे हैं। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी लगातार फिसलती जा रही है, चिंता की बात है ये पूरे देश के लिए, संविधान के लिए, संसदीय प्रक्रिया का जिस तरह से उल्लंघन हो रहा है, चुनाव प्रक्रिया को जिस तरह से प्रभावित किया जा रहा है, तमाम चीज़ें हैं। मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील कर दिया गया है और जो भी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ रासुका, NSA, CBI, इनकम टैक्स, ED, इन तमाम तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है और ये पूरी दुनिया जानती है, ये मोदी सरकार के छिपाने से छिपेगी नहीं, इस पूरी दुनिया जान चुकी है। और इसीलिए भारत के में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर हर तरफ चिंताएं प्रकट की जा रही हैं। ऐसे में जब अमिताभ कांत कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है तो हाहाकार मचना लाजमी है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी अगर इस इतनी सी डेमोक्रेसी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो वो निश्चित रूप से एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो निरंकुश हो, जिसमें तानाशाही हो और जिसमें सरकार के पास संपूर्ण अधिकार हो कि लोगों की इच्छाओं की आकांक्षाओं को दमन करते हुए जो चाहे कानून बनाने और उसे जिस तरह से चाहे लागू कर दें और उसका फायदा कुछ मुट्ठी भर लोगों को मिले तो मिलता रहे, क्योंकि वही आखिरकार चुनाव में इन्हीं जो सत्तारूढ़ दल हैं उनकी फंडिंग करते हैं, उनके सपोर्ट में एक तरह से अमिताभ कांत खड़े हुए। उन्होंने इस जो कार्यक्रम है उसमें और भी बातें कही जिनसे साफ लगता है कि वो कॉरपोरेट के हक में खड़े हैं। वो चाहते हैं कि 5-7 बड़ी कंपनियां कॉरपोरेट की बने जो विश्व स्तर पर जानी जाए और उन्हीं को सारा सब कुछ सौंप देने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही, इसीलिए उन्हीं लोगों को हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, तमाम जो नवरत्न हैं हमारे पब्लिक सेक्टर की उनको सौंपने की तैयारी चल रही है। तो ये पूरा एक एजेंडा अमिताभ कांत के इस बयान में अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं। जिन आरोपों में रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती को 3 महीने से जेल में रखा गया, अदालत ने उन्हें सही नहीं माना है। 1 हफ्ते पहले ही विशेष अदालत के आदेश के बाद शौविक को जेल से रिहा कर दिया गया था और अब कोर्ट का उस बारे में विस्तृत फैसला आ गया है। इस आदेश में कोर्ट ने कहा है कि नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए धन मुहैया कराने के सख्त आरोप उनके मामलों में लागू ही नहीं होते हैं, जबकि उन पर जो आरोप लगाए गए थे उसमें 20 साल की सजा का प्रावधान था। यही वो आधार था जिस पर शौविक की जमानत याचिका को पहले खारिज कर दिया गया था। यानी अब जो NDPS की विशेष अदालत का विस्तृत फैसला आया है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के लिए तगड़ा झटका है। इससे उन आरोपों को भी बल मिलता है जिसमें कहा जा रहा था कि क्या NCB किसी दबाव में रिया और शौविक के खिलाफ काम कर रही थी। ये उन तथाकथित पत्रकारों के लिए भी एक जवाब है जो बिना किसी जांच के किसी आरोपी को दोषी करार दे देते हैं। बता दें कि शौविक को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने 4 सितंबर को गिरफ्तार किया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल मिलने पर NCB ने जांच शुरू की थी और इसी मामले में रिया और शौविक का नाम सामने आया था। वहीं आज NCB ने एक फरार आरोपी रीगल महाकाल को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2.5 करोड़ की ड्रग्स के अलावा 16 लाख रुपए कैश पकड़े गए हैं। रीगल महाकाल का नाम सुशांत केस में ड्रग एंगल में सामने आया था। बताया गया था कि ये बॉलीवुड में ड्रग पहुंचाता है। तो शौविक और रिया चक्रवर्ती, इनको NCB ने फंसाया था, ये अब बिल्कुल साफ हो चुका है। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उनको जबरदस्ती जेल भेजा गया, ड्रग्स के आरोप और इतने संगीन आरोप लगा दिए गए कि अगर उनके बस चलता तो 20 साल के लिए उनको जेल हो जाती। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दुर्भावनापूर्ण ढंग से केंद्र सरकार के इशारे पर ये तमाम एजेंसियां इन दो भाई बहनों के पीछे पड़ गईं और सुशांत सिंह राजपूत का एजेंडा कुछ चैनलों ने जिस तरह से चलाया,
केंद्र सरकार के इशारे पर इन महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए इनको मोहरा बनाया गया और एक अभियान सा छेड़ दिया गया। उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम इन दोनों को भुगतना पड़ा है ये अब स्पष्ट हो गया है, और ये भी स्पष्ट हो गया कि एक पूरा प्रोपेगंडा था, एक पूरा एजेंडा था जिसके तहत एक रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती पर हमला किया गया था, सुशांत राजपूत सिंह को बहाना बनाया गया था ताकि बिहार चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके, और थोड़ी थोड़ी जो 50 ग्राम 40 ग्राम 100 ग्राम ड्रग्स मिले थे उसके आधार पर बड़े बड़े मामले बना दिए गए जो कि अदालतों में टिक नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो अदालतों में टिक नहीं रहे हैं, जहां बीजेपी की सरकारें हैं या केंद्र की सरकार जहां दखल दे रही है। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी ये एक फैसला सुनाया है जिसमें उसने एक व्यक्ति को रिहा किया है और सरकार से कहा है कि NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने के पहले उसको अच्छे से जांच पड़ताल कर ले, लेकिन ये सरकार रासुका NSA वगैरह धड़ल्ले से लगा रही है और ख़ासतौर पर उन लोगों को टारगेट कर रही है जो सरकार के विरोध में खड़े हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, जो दलित हैं, या जिन्हें उन्होंने अर्बन नक्सलाइट का एक लेबल लगा दिया है। तो सरकार का एजेंडा बहुत साफ है और सरकार के साथ गोदी मीडिया का एजेंडा बहुत साफ है, और इस पूरे मामले की जो अदालत ने रिपोर्ट जारी की है, पूरा फैसला आ गया है, विस्तृत फैसला, उससे स्पष्ट हो रहा है कि इन दो बेगुनाह लोगों को मीडिया और सरकार ने मिलकर बेवजह परेशान किया, बेइज्जत किया, बदनाम किया और जेल में इतने समय तक रहने के लिए मजबूर किया। कायदे से गोदी मीडिया को भी और केंद्र सरकार को भी माफ़ी मांगना चाहिए पूरे देश से और इन दो लोगों से, ख़ास तौर पर जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अगली खबर लेते हैं। राजस्थान में 21 जिलों में हुए पंचायत चुनाव के नतीजों से साफ है कि ग्रेटर हैदराबाद नगर पालिका के बाद यहां भी भाजपा ने दमखम दिखाया है। राजस्थान विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही भाजपा 21 में से 14 जिलों में बोर्ड बनाने जा रही है। इंडिया टुडे के अनुसार पंचायत समिति की 4371 सीटों में से कांग्रेस ने अभी तक 1781 और भाजपा ने 1911 सीटें जीती हैं, यानी भाजपा करीब 125 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा 425 अन्य के खाते में गई हैं, तो RLP के 57 उम्मीदवार भी जीते हैं। अभी परिणामों में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। इसके अलावा जिला परिषद की कुल 636 सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिनमें से कांग्रेस को 252 और बीजेपी को 353 सीटें मिली हैं, यानी बीजेपी यहां भी 100 सीटें ज्यादा जीतने में कामयाब रही है। RLP को केवल 10 सीटें मिली हैं, इसके अलावा 18 निर्दलीय और बाकी सीटें अन्य के खातों में गई हैं। इन चुनाव परिणामों से ये साफ हो गया कि राजस्थान के ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी भाजपा की पकड़ बनी हुई है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि नतीजे बताते हैं कि गरीब किसान PM मोदी पर भरोसा करता है, तो वहीं जावड़ेकर ने कहा है कि पूर्व उत्तर दक्षिण आप जहां भी जाएंगे सिर्फ बीजेपी 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 है। नए कृषि कानूनों में हुए सुधारों पर विपक्षी दलों के हमलों के बावजूद लोग बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो जिला परिषद चुनाव में 6 मंत्री अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा सके। इनमें सीकर के से कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासारा, अजमेर से चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, वन मंत्री सुखराम विश्नोई, बूंदी से युवा एवं खेल मंत्री अशोक चांदना, चित्तौड़गढ़ से सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना और बाड़मेर से राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पार्टी का जिला प्रमुख नहीं बना सके। हालांकि बाड़मेर में भाजपा कांग्रेस को बराबर सीटें मिली हैं। तो दो तीन चीजें, एक तो कांग्रेस में जो अंतर्कलह चला है पायलट बनाम गहलोत का, उसका एक बहुत खराब संदेश गया है निचले लेवल पर, और पार्टी एकजुट नहीं है, ये इलेक्शन उसने एकजुटता के साथ नहीं लड़ा है और उसकी छवि भी खंडित हुई है। इसका असर साफ दिख रहा है इन चुनाव में। लेकिन अगर प्रकाश जावड़ेकर और JP नड्डा के बयानों को देखें तो सरासर कहना चाहिए महाझूठ है, क्योंकि स्थानीय इस चुनाव की में मुद्दे भी दूसरे होते हैं, व्यक्तियों पर भी बहुत केंद्रित होता है, उसको किसान आंदोलन से
किसान के बारे में नीतियों से जोड़ देना एक दूर की कौड़ी है, लेकिन ये चापलूस जो राजनीतिक दल होते हैं और सरकारें होती हैं उसमें इसी तरह से हमेशा अपने नेता को महिमा मंडित करने की होड़ लगी रहती है, उसकी सारी नीतियों को अच्छा बताने की होड़ लगी रहती है, उसके सारे गुण हर चीज में नजर आते हैं। तो यहाँ भी वो यही परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीकरा विपक्षी दलों पर छेड़ रहे हैं और फोड़ रहे हैं, और किसानों को का नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही जो आंदोलन कर रहे हैं, और इस सफलता को जो कि राजस्थान की भाजपा की सफलता मानी जा सकती है, वो वहाँ पर संगठित होगी, उसने ठीक से चुनाव लड़ा होगा, और वहाँ पर चूंकि सरकार विरोधी भावनाएं भी बन चुकी हैं उसका फायदा भी मिला होगा। लेकिन इसको इस रूप में प्रस्तुत करना कि ये प्रधानमंत्री की नीतियों की कामयाबी है, ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी है। अंतिम खबर लेते हैं। त्रिपुरा में सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विप्लव हटाओ बीजेपी बचाओ नारे लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री विप्लव देव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं, उन्होंने कहा कि वो 13 दिसंबर को विवेकानंद मैदान जाएंगे और त्रिपुरा के लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मेरा समर्थन लोग नहीं करते हैं तो मैं पार्टी आलाकमान को इस बारे में सूचित करूंगा। मेरी जनता से अपील है कि वो 13 दिसंबर को विवेकानंद मैदान पहुंचे। विप्लव ने कहा कि वो उनके खिलाफ लगाए गए नारों से दुखी हैं। इधर बीजेपी त्रिपुरा के प्रभारी विनोद सोनकर ने दावा किया है कि राज्य की सत्ताधार पार्टी में सब कुछ ठीक है। उन्होंने कहा कि मैंने और मुख्यमंत्री दोनों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की है। मुख्यमंत्री को त्रिपुरा के लोगों की सेवाएं करनी चाहिए, अगर कोई मसला है तो पार्टी इस पर गौर करेगी। तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर उनका विरोध हो रहा है और वो जनता से राय शुमारी करेंगे, जनता का मत लेंगे और उसके आधार पर तय करेंगे कि मुख्यमंत्री रहे ना रहे। दूसरी तरफ उन्हीं के विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, पार्टी में कुछ गड़बड़ नहीं है और विप्लव बने रहेंगे। तो ये पार्टी के अंदर अंतर्कलह तो जबरदस्त चल रहा है, खुलकर सामने आ गया है, लगातार नारेबाजियां हो रही हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ। तो मुख्यमंत्री विचलित हैं और मुख्यमंत्री की कार्यशैली है ऐसी जिसकी वजह से ये विरोध उनका होना लाजमी है, क्योंकि बहुत ही कुछ भी अनाप शनाप बोल देना, उठपटांग किस्म के बयान देना, ये विप्लव देव की शख्सियत का हिस्सा है और वो हास्यास्पद बनते जा रहे हैं लगातार। तो उनकी अलोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है प्रदेश में, लेकिन वो किसी तरह से ये मैसेज देने की कोशिश करना चाहते हैं कि वो सब लोग मुझे ही चाहते हैं, मैं ही मुख्यमंत्री बना रहूं, और इसीलिए राय शुमारी की बात कर रही हैं। तो पार्टी के अंदर एक खास किस्म की बगावत उनके खिलाफ पैदा हो गई उनके रवैये से, उनकी कार्यशैली की वजह से, और उसको उस पर कवर डालने के लिए, सुनहरा कवर डालने के लिए वो जनता की बात कर रहे हैं, जन समर्थन की बात कर रहे हैं। तो हो सकता है विप्लव देव के पक्ष में थोड़ा जनता का समर्थन हो, क्योंकि वो एक खास तरह की पृष्ठभूमि से आते हैं, उसका फायदा उनको मिलता है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं पार्टी के नेताओं में उनकी जो स्वीकार्यता है वो बहुत घट गई है। तो आज अगर ये पैचअप हो भी जाता है तो आगे चलकर इसमें और ज़्यादा टकराव होना लाजमी है, और विप्लव देव आसानी से सरलता से अपनी सरकार को आगे चलाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो ये एक दिक्कत है, और त्रिपुरा हालांकि छोटा सा राज्य है लेकिन बहुत अरसे तक वहाँ CPM शासन में थी और उससे छीन कर BJP लाई है, इसलिए वो इसे इस रूप में प्रस्तुत करना चाहती है कि वो अच्छे से चला रही है, लेकिन बहुत ही छोटे से अंतराल में ही ये दिख गया है कि BJP का नेतृत्व और BJP की सरकार बहुत कारगर नहीं है, बहुत इफेक्टिव नहीं है, और वो ठीक ढंग से त्रिपुरा को प्रशासन कर नहीं पा रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें Google Play Store पर।